My dear all, I am starting the chapter. Chapter name is Packing of Class Jerome, the narrator. That means it is very clear. Narrator name is Jerome. Felt pride on his packing. That means he is thinking that he is very expert and can do in less time. Three friends decided to go on a holiday. There are three friends, and in three friends, one is Jerome, narrator. He offered to do packing. George and Harris. George, Harris, and Jerome. There are three friends. In his friends were impressed by that. They relaxed by lighting a cigar and pipe respectively that the narrator would do the packing. In Hindi, I want to say कि यहाँ साफ साफ बताया गया कि नरेटर जो है जेरोम है एंड उनके दो फ्रेंड हैं और वो फ्रेंड्स हैं जॉर्ज एंड वन मोर इज हैरिस, यानी तीनों दोस्त हैं और वो पैकिंग की बातें कर रहे हैं। अभी वो लोग पूरे रिलैक्स में हैं और वो लोग लाइटिंग सिगार को भी जलाए पीना चाहते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यूसली करना चाहते हैं। देन ये लोग क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे। पैक इसलिए करेंगे क्योंकि उनको हॉलीडे पैक पर जाना है। But the narrator had intended that George and Harris would pack. हम narrator ये सोच रहे हैं कि George and Harris करेंगे and he would boss over them. When they relaxed, he was irritated. Now people's not doing anything greatly irritated him. He couldn't sit still and see others working. सीधी सी बात है, यदि कोई काम करता रहता है, कोई दूसरा बैठा रहता है, तो वो उनको कहीं ना कहीं इरिटेट करते रहता है, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि सब मिलकर जो काम करता है एट ए टाइम, तो बहुत मजेदार होता है, अच्छा भी लगता है कि सबके सब एक साथ काम करेंगे और सबका काम भी फिनिश हो जाएगा। नाउ ही वुड एंजॉय गेटिंग अप एंड ओवरसीइंग अदर्स वर्किंग। ही हेटेड सीइंग पीपल डूइंग नथिंग व्हेन ही वाज वर्किंग। द नेटर स्टार्टेड द पैकिंग। ही हैड फिनिश्ड पैकिंग इन अ शॉर्ट टाइम। नेटर ने जैसे ही पैकिंग करना शुरू किया, कम टाइम उन्होंने पैकिंग को कंप्लीट भी कर लिया, रेडी कर लिया अपना। नाउ हैरिस टोल्ड हिम दैट ही हैड फॉरगॉटन टू पुट द बूट्स इन। ही ओपन्ड द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन। ही वाज गोइंग टू क्लोज इट जस्ट देन ही हैड एन आइडिया हैड ही पैक्ड हिज टूथब्रश और नोट। ही हैड सम वेल मेमोरीज विद हिज टूथब्रश। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई भी काम यदि आप टाइम पे कर लेते हो या टाइम बिफोर टाइम करते हो, तो आप पूरे फ्री हो जाते हो कि आपका वर्क जो है प्रॉपरली हुआ होगा। अब हैरिस ने तो पैक किया, एक बार बूट को पैक करना, सू को पैक करना छूट गया था, अब वो डॉट में आ गया कि टूथब्रश को लिया या नहीं लिया। नाउ ही टर्न्ड एवरीथिंग आउट बट ही कुडंट फाइंड द टूथब्रश। ही फाउंड ब्रशेस ऑफ जॉर्ज एंड हैरिस मोर देन 18 टाइम्स ओवर बट ही कुडंट फाइंड हिज ओन। So he put the things back one by one. Again, उन्होंने सारी चीज़ को निकाला, फिर पैकिंग करना शुरू किया। Then he found the toothbrush inside a boot. अब वो पूरा खोजने के बाद पता चला कि उनका जो ब्रश है, टूथब्रश है, वो कहाँ पर है? बूट के अंदर है। बूट जो है बैग के अंदर डाला है। He packed the things once more. Again, वो उन्होंने को काम बढ़ गया और फिर से उन्होंने पैक किया, क्योंकि एक बार प्रॉपरली सही टाइम में नहीं किया था। Now, the narrator finished packing the bag. Soon George asked if the soap was in, but the narrator was in anger, he will not open the bag again. However, he found that he had packed his tobacco pouch in it, so he had to reopen the bag. Then George and Harris undertook to do the rest of packing. इस तरह से उन लोगों ने अपना पैकिंग करना शुरू कर दिया। नाउ हैरिस एंड जॉर्ज वर नॉट गुड पैकर्स। द नरेटर कुड सी पाइल्स ऑफ प्लेट्स, कप्स, केटल्स, केक्स, टोमेटोस एंड मैनी मोर। सून द पैकिंग बिकेम एक्साइटिंग एंड कप्स वर ब्रोकन। हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ द टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट। यानी उन्होंने किया तो जरूर, लेकिन जो जल्दीबाजी में किया तो वो प्रॉपर कहीं ना कहीं नहीं था। George walked over the butter. The narrator sat and saw them packing. सब कुछ narrator क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे हुए देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं किस तरह से वो पैकिंग करते जा रहे हैं। Now, इस तरह से जब देखा गया, then this irritated George and Harris.
ये काम जो फिनिशिंग नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जॉर्ज जो है इसको इरेट कर दिया। दे स्टेप्ड ऑन थिंग देन दे डिडंट फाइंड व्हाट दे वांटेड टू फाइंड। अब ये लोग खुद भी नहीं सोच रहे कि मुझे करना क्या, आगे कैसे कैसे करना है प्रॉपरली सो दैट पैकिंग विल बी कंप्लीटेड। नाउ दे पैक्ड द पाइस एट द बॉटम ऑफ द बैग, दे स्क्वैश देम आफ्टर पुटिंग हैवी थिंग्स ऑन देम। सीधी सी बात है, आपका जो थिंग्स होता है, जो को भी आप अपने बैग में पुट करना चाहते हो थिंग्स, वो उसकी किस तरह से प्रॉपरली सेट करें तो वो फटे नहीं, या तो वो प्रॉपर रहे, या तो वो किसी चीज में दब करके उसका पैकिंग ना ब्रेक हो जाए, इस तरह से पैकिंग किया जाता है। नाउ जॉर्ज एंड हैरी सबसेट एवरीथिंग। जॉर्ज ट्रोड ऑन द बटर व्हाइल पैकिंग। जॉर्ज गॉट द बटर ऑफ हिज स्लीव। देन दे ट्राई टू पुट इन द केटल, इट वोंट गो एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट। दे एट लास्ट गॉट इट, they put it down on the chair and Harris sat on it. It stuck to him. Then they went looking for it over the room. यानी उन लोगों का सामान इधर उधर बिछड़ा जा रहा है बार बार, क्योंकि प्रॉपरली जा नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं वो और पूरे रूम को भी गंदा किए जा रहे हैं। They put it down on the chair. Yes, क्योंकि वो properly सही जगह पर नहीं जा रहा है, क्योंकि उन लोग का जो arrange होना चाहिए सामान का जो बैग में, वो properly arrange नहीं कर पा रहे हैं। The dog, Montmorency. That means Montmorency is the name of pet dog, had an ambition in life. It was to get in the way and be a nuisance. He felt that his day was not wasted if he had made people mad. He had a high aim. It was to get somebody, stumble over him and curse him. What happened now? Then, so Montmorency, Morency, that Miss Dog came, he sat down on the thing when these were to be packed. He put his leg into the jam and into the jam. उन्होंने जो जाम खाने वाला था उस पर अपने पैर को डाल दिया, and he pretended the lemons were rats and put those into the hamper. Now, Harry said that the narrator only made the dog do all that, but it was natural for a dog to do like that. ये तो जिस क्रिएचर का जो नेचुरल हैबिट रहेगा वो तो करेंगे ही करेंगे। डॉग ने भी वैसा ही किया जो उनको करना चाहिए था। द पैकिंग वॉज डन। हैरी सेड दैट ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। देन दे डिसाइडेड टू स्लीप। हैरिस आस्क्ड द नेटर इफ ही प्रेफर्ड टू स्लीप इनसाइड और आउटसाइड द बेड। जॉर्ज आस्क्ड व्हेन ही शुड वेक देम। यदि यदि वो सो जाता है, इसने जैसे बोला कि नेडर को कि आप सो सकते हो, कहीं बारहवीं तक है सो सकते हो। अब बात कर रहा है, जॉर्ज ने बोला कि यदि ऐसा होगा तो फिर वो जाएगा कभी, सो जाएगा तो। दे स्टार्टेड टू आर्ग्यू ओवर द टाइम। देन व्हाट हैपेंड फाइनली, लास्ट में क्या हुआ? फाइनली दे डिसाइडेड टू वेक अप एट 6:30 और वो 6:30 में उन लोगों ने जागा, यानी पैकिंग चलती रही, पैकिंग कंटिन्यूसली चलती रही और 6:30 में जाके उन्होंने सबके सब जागा सोने के बाद। Now, in next video, we will get reach for the top. आप हमारे वीडियो को देखिए अच्छे से, सब्सक्राइब कीजिए।